हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद इजी विद गुंजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर करने जा रही हूँ संडे लंच रूटीन। संडे मॉर्निंग तो सभी की बिज़ी होती है, मेरी भी बहुत बिज़ी थी। एक्चुअली बहुत सारे कपड़े धुलने थे तो मशीन भी एक तरफ लगी हुई थी और नाश्ता हो चुका था और उसके बाद फिर पूरा खाना बनना था। तो और पूरा खाना भी मुझे एक घंटे के अंदर सब कुछ प्रिपेयर करना था। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने क्या क्या बनाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था तो पोहा सब खा चुकी, इतना ही बचा है। और दाल को मैंने चढ़ा दिया, अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था, भिगोने से बहुत अच्छी दाल बनती है। और सब्ज़ी में मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो लंबे वाले बैंगन होते हैं इसको देखिए मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने मेथी से तड़का लगाने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद कटी हुई प्याज डाल दिए। जब तक प्याज भुन रहा है मैंने इधर चावल भी भिगो के रख दिए हैं। तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि और लहसुन भी मुझे छील के रखना है अभी, कि जब तक मेरा प्याज भुनता है तब तक मैं आधी सब्ज़ी और काट लेती हूँ। आधी मैं पहले काट चुकी हूँ और मैंने हल्दी डाल दी, मिर्चा डाल दिया, पिसी धनिया डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी हैं। जब तक प्याज भुना तब तक मैंने बाकी की बची हुई सब्ज़ी भी काट ली है। आधी सब्ज़ी काटने के बाद ही मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। और ये देखिए सारी सब्ज़ी भी कट चुकी है, सारे बैंगन मैं इसमें डाल दूँगी। एक तरफ दाल भी मेरी हो चुकी है और नमक डाल दिया मैंने बैंगन की सब्ज़ी में। इस तरह से बैंगन बनाइए, फटाफट बैंगन भी बनता है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और इसको मैं कवर कर देती हूँ। और इधर मैं भरवा मसाला वाले बैंगन बना रही हूँ तो मैंने मेथी, सौंफ, धनिया सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद, ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। कलौंजी भी डाल दी भरवा मसाले में मैंने। और जब तक ये दाल हो गई है मैंने इसको पलट के इसमें कुकर में चावल भी फिट कर दिए हैं। और चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था तो चढ़ा दिया है। ड्राई रोस्ट मसाला भी मैंने पीस लिया। भरवा मसाला मैं एक शीशी में भर के रख लूँगी। दाल में मैंने लहसुन, हींग और मिर्ची का तड़का लगा दिया है। और सब्ज़ी मेरी बन गई है, गैस की फ्लेम बंद कर दी। इसमें मैंने भुना हुआ मसाला रोस्ट किया था वो भी डाल दिया है एक चम्मच। और एक चम्मच मैंने पिसी खटाई डाल दी है। भरवा मसाले के साथ पिसी खटाई अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। और अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकती हैं, लेकिन ये मैंने चिकन बनाया इसलिए मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया है। जब तक चावल की स्टीम निकल रही है तब मैं अंबिया पुदीना की चटनी से रही। मैंने अंबिया पुदीना, लाल मिर्चे, गुड़, काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग डाल के पीस लिया है। और दो रोटी मैंने सेक ली है क्योंकि मुझे अभी दो ही रोटी की ज़रूरत थी। तो देखिए पूरी थाली मेरी लग करके तैयार हो गई है। अब मैं बाकी की बची ही रोटी भी जल्दी जल्दी सेक लूँगी और सभी लोग बैठ के खाना खा लेंगे। संडे को कोशिश यही करते हैं कि हम सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाएँ। और अब मैं रोटी सेकने के बाद मैं तरबूज भी काट ले रही हूँ। तो ठंडा ठंडा तरबूज खाने के बाद गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और न्यू फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ। वैसे तो तरबूज वाले ही बता देते कि कौन सा तरबूज मीठा है, उसको ठोक करके पता चल जाता है। वैसे कोशिश करें कि तरबूज जो है धानी रंग का ही थोड़ा सा ऊपर जिसका छिलका हो वो लें। एक तरफ मशीन में मेरे कपड़े भी चल रहे हैं तो जब तक मेरा खाना ख़त्म होगा तब तक कपड़े भी हो जाएंगे। तो बस देखा आपने किस तरीके से संडे बिजी जाता है। आज मैंने पहली बार शेयर किया है आपको ये अपना लंच रूटीन, संडे लंच रूटीन। तो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऊपर से थोड़ा काला नमक भी स्प्रिंकल कर देते हैं। काला नमक डालने से तरबूज का टेस्ट बिल्कुल दोगुना हो जाता है। जब खाना खाने आपको तरबूज खाना हो तभी उसी समय तुरंत नमक डालें। तो कैसा लगा इसे ज़रूर शेयर करिएगा मेरे नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।